हाय दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से टेक्निकल ज्ञान गणेश में। दोस्तों तो आज मैं बात करने वाला हूँ SBI बैंक में दोस्तों आधार कार्ड कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें क्या होगा ऐसे कुछ जो यूजफुल वीडियो दोस्तों, यूजफुल टिप्स दोस्तों, आप लोग मिस न कर दें, ऐसे आपका लिंक नहीं होगा बैंक से आधार कार्ड दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लें। चलिए दोस्तों हम बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले गूगल या क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है UDAI। दोस्तों यहाँ UDAI करके यहाँ पे सर्च कर लेना है दोस्तों। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर में आपको मिलेगा एक वेबसाइट फर्स्ट वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगली वेबसाइट खुल रहा है दोस्तों। खुलने एक मिनट वेट करते हैं दोस्तों, खुलने दीजिए इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट का अभी सर्वर थोड़ा स्लो है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट खुल के आ चुका है। वेबसाइट खुल के आ चुका है दोस्तों। तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल नीचे करना है दोस्तों। स्क्रॉल नीचे करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधार सर्विस, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। आधार सर्विस पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आधार लिंकिंग स्टेटस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको नीचे देख सकते हैं चेक आधार बैंक सेंडिंग स्टेटस। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ रहा है अगले पेज पे। अगले पेज पे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा, जो ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस बॉक्स में यहाँ पर डलाएगा। इस बॉक्स में डलाने के बाद दोस्तों कैप्चा डालने के बाद और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम पहले भर लेते हैं आधार कार्ड नंबर और कैप्चा भर के सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों हमने सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे अगले पेज पे आ चुके हैं। अगले पेज पे आने के बाद दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल दोस्तों। तो यहां OTP मेरा आ चुका होगा मोबाइल रजिस्टर पर दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों कहाँ पे भरना है हम बता देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं हमने OTP फिल कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है दोस्तों। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जा रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका सर्वर डाउन लिख रहा है अभी, इन्वाइटेड UIID VIID दोस्तों। तो अभी जो है मेरा लिंक नहीं है दोस्तों, इसलिए ऐसा बता रहा है दोस्तों। अगर लिंक रहता है दोस्तों सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो ये सब लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे UDAI शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल लीबल और क्वारंटेड ऑफ द डिस्प्ले द स्टेटस फ्रॉदर UDAI नॉट स्ट्रॉन्ग। दोस्तों मेरा लिंक नहीं है दोस्तों, तो हम कैसे लिंक करते हैं दोस्तों, चलिए हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मेरा लिंक नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया दोस्तों। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मेरा लिंक रहता तो दोस्तों यहाँ पर दिखा देता कौन बैंक से मेरा लिंक है, क्या है, क्या कितना नंबर है अकाउंट नंबर लास्ट का 4 को। चलिए दोस्तों हम तो चलते हैं अपने बैक जाने के बाद दोस्तों आपको मैसेज में चलना है, मैसेज बॉक्स में दोस्तों चलना है। मैसेज बॉक्स में क्या लिखना है वो बताते हैं। मैसेज बॉक्स में चलते हैं दोस्तों। मैसेज बॉक्स में आने के बाद सबसे ऊपर में नंबर जो है वहाँ पर आपको लिख देना है 5676 76 76 दोस्तों। वहाँ पर 5676 76 76 मैंने ऊपर मैसेज में लिख दिया। मैसेज में आपको क्या लिख के भेजना है वो हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर ID कैपिटल में दोस्तों लिख देना है, कैपिटल में ID करके ID। यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देना है और रजिस्टर मोबाइल नंबर से दोस्तों भेजना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर से उसमें मेन बैलेंस 3 रुपया होना चाहिए दोस्तों, अनलिमिटेड कॉल तो होना ही चाहिए, उसमें मेन बैलेंस 3 रुपया होना चाहिए। मैसेज का चार्ज 3 रुपया कटता है। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल चुके हैं दोस्तों। आप अपना मैसेज भेजते हैं दोस्तों अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। चलिए दोस्तों हम आपको मैसेज भर के भेज के दिखाते हैं। मैसेज भेजने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फेल
फेल टू सेंड मैसेज यहाँ पे क्यों आ रहा है दोस्तों, तो मेरे में रिचार्ज 3 रुपया मेन बैलेंस नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए हम इसको ऐसे करिएगा, आप लोग को हो जाएगा, हम रिचार्ज करा के दोस्तों इसको मैसेज भेजेंगे। दोस्तों अगर नहीं हुआ ऐसे तो आप लोग मैसेज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नहीं बैठे रहिएगा, यूट्यूब पर आपने देखे होंगे कितना सा फ्रॉड वीडियो है दोस्तों, हम करके दिखाएंगे दोस्तों। अगर 7 दिन में ऐसे हमने कर दिया दोस्तों ठीक है, नहीं तो हम बैंक जाके लिंक करवा लेंगे। आप लोग का भी अगर 7 से 10 दिन में आधार कार्ड लिंक हो गया बैंक अकाउंट से दोस्तों तो ठीक है, नहीं लिंक हुआ दोस्तों तो आप बैंक जाके करवा लीजिएगा, इस वीडियो के ऑनलाइन के फेरा में नहीं रहिएगा दोस्तों, आप बैंक जाके करा लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।